नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको मेन रोड की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा मेन रोड जो है वो जो रामनवमी के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ है। अलग अलग मंच से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं रामनवमी मनाने के लिए। हर साल जिस तरीके से रामनवमी मनाई जाती है, आज इस बार काफ़ी भव्य तरीके से मनाई जा रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर श्री राम दरबार जो है वो यहाँ पर पहली बार लगाया गया है। और यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे, समिति के जो लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति के कई सारे लोग जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम लोग सभी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है आज के दिन को लेकर के। काफ़ी भव्य तरीके से आज मनाया जा रहा है और एक अलग पंडाल जो है वो हम लोगों को यहाँ पर मंच देखने को मिला। चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा ने कोशिश किया है इस बार कि हम लोग राम दरबार का आयोजन करें। शिविर तो हम लोग हर वर्ष लगाते हैं, लेकिन हम लोग एक राम दरबार लगाया, दिल्ली कलाकारों को बुलाया गया है, जीवंत राम दरबार का प्रदर्शन होगा यहाँ पे, जो एक मनमोहक होगा और लोगों में भक्ति को जगाएगा। और राम भक्त जो अभी जैन सलाब रोड पर आएगा उनके लिए भी एक मनोरम दृश्य होगा। अगर बात करें इस पंडाल की, क्या कुछ खासियत रहेगी, क्या कुछ और देखने को मिलेगा लोगों को? दिल्ली से आए हुए कलाकारों के द्वारा राम दरबार का जीवंत झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा, वो एक मनमोहक दृश्य होगा। दिल्ली से कलाकार आ चुके हैं, सब तैयारी में हैं। 3 बजे के बाद हमारे संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी भाजपा के आएंगे, उसके बाद विधिवत एक कार्यक्रम चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, क्या कुछ कहिएगा? एक भव्य तरीके से काफ़ी समय के बाद देखने को मिल रहा है रामनवमी। देखिए, रामनवमी निश्चित तौर पर रांची में बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। और जहाँ पर आप खड़े हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारा क्लब है रामनवमी पूजा का, दुर्गा पूजा भी यहाँ पर होता है, आप देखे होंगे। तो आज बहुत ही खुशी का बात है कि यहाँ पर हमारे रमेश भैया जी ने यहाँ पर राम दरबार का जो आयोजन किया है। तो निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो हम सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम उत्सव मना रहे हैं और भव्य उत्सव मना रहे हैं। जी, यहाँ पर और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहिएगा आज के दिन को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोरोना के बाद काफ़ी समय के बाद हमारे रांची में रामलला के लिए इतना उत्सव देखने को मिल रहा है। और हम सनातनी लोग इस भगवाधारी में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रामलला के जन्मदिवस पर हम उनके लिए एक प्यार दर्शित करना चाहते थे और हमने अपने हाथों में श्री राम का टैटू बनाया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जय श्री राम। जय श्री राम और हाथों में टैटू, जय श्री राम के नारे के साथ महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं। हम लोग कुछ और भी लड़कियों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहिएगा आज के दिन को लेकर के, हाथों में टैटू? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हर तरह भगवा लहरा रहा है। तो हम राम के प्रति एक प्यार जताना चाहते थे, इसलिए हाथों में टैटू बनवाए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हाथों में टैटू और तलवार के साथ यहाँ पर तमाम जो महिला, जो लड़कियाँ हैं यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। तलवार से क्या कुछ संदेश? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सनातनी, हम चाहते हैं कि हम हमारे रामलला की तरह हम भी बहुत आगे पढ़े और हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। नहीं, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर एक यहाँ पर मैसेज जो है, जो यहाँ पर लड़कियाँ हैं उन्होंने एक काफ़ी अच्छा मैसेज जो है टैटू के ज़रिए दिया है, एक अच्छा मैसेज जो है सभी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, हमारी बहनें आगे आ रही हैं, इतिहास गवाह है कि हमारे देश की सनातनी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने कितने बड़े बड़े लोहे लिए हैं, टक्कर लिए हैं और लोगों के दांत खट्टे किए हैं। अब हमारे नए भारत में, मोदी जी के नए भारत में बहनें अपने पुराने अंदाज में आ रही हैं, इससे बड़ा गौरव का बात क्या होगा। हम गौरवान्वित हैं कि हमारी बहनें तलवार हाथ में लेकर के अपने शक्ति की परिचय दे रही हैं सड़कों पर उतर करके, कि अब हम वो दबे कुचले वो 70 साल से जो महिलाएँ थी अब वो नहीं हैं। ये मोदी राज है, राम राज है, अब राम राज में जो महिलाएं सशक्तिकरण थी अब वही होगा। तो झांसी की रानी हो या फिर कोई अन्य महिला की बात करें, तो तमाम जो महिलाएं थी अपना ताकत जो है वो एक बार फिर से इस नए भारत में, जिस तरीके से कहना है कि नए भारत में भी लड़कियां अपने शक्ति का प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखना यहां पर जब लोग 3 बजे के बाद पहुंचेंगे तो एक भव्य कार्यक्रम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।